गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे टू और आज का रूटीन भी लगभग सेम ही है। तो पहले हिबिस्कस का जूस और देन योगा। तो आज मैं आपको योगा नहीं दिखा रही, वो जगह स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं वो प्रोसेस सेम रखूंगी, पहले जूस लूंगी और फिर योगा करूंगी। और फिर देखिए मैंने कल जो चोटी बना के सोई थी वही है। इसमें क्या होता है, आपके हेयर देखिए एकदम जैसे कल मैं सोई थी वैसे ही है, बिल्कुल कोई डैमेज वगैरह इसमें आ ही नहीं सकता। आज हम इस चोटी को खोलेंगे और इसमें एलोवेरा अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं अपने हेयर को थोड़ा कोम कर देती हूँ। चोटी बनाने से क्या होता है, हेयर ज्यादा उलझते नहीं है तो जल्दी जल्दी कोम करना भी भूल जाएगा। बस हो गया। अब मैं एक एलोवेरा का पीस लूंगी और इसको कांटे मैंने पहले से निकाल दिए हैं और बस मैं इसको मिडिल से कट कर लूंगी। इसे बीच में जेल के ऊपर देखिए जेल में सारे पीसेस आ गए हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल हमारे स्कैल्प में लग पाएंगे। तो ये देखिए सारे पीसेस हो गए हैं, ऐसा लगना चाहिए। और अब आपको सेक्शन निकाल के सारे अपने स्कैल्प में लगाना है। आपको आपकी पूरे स्कैल्प में इस जेल को लगाना है। अगर आप खुद से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप दूसरों किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर ऐसे लगाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप जेल को एक बोल में निकाल लें और फिर आराम से जैसे आप ऑयल लगाते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पूरे स्कैल्प में इसको लगाना है। सारे स्कैल्प में लग चुके हैं। अब मैं करूंगी ऑयलिंग। तो मैंने ऐसे कोकोनट ऑयल ही ले लिया है क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने हाथ में ले लिया है। अगर ये भाजी कोकोनट ऑयल का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मसाज आपको अपने उंगलियों को घिसना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, आपको इस जगह को हिलाना है, अपने उंगलियों को टाइट करना है और एक जगह पे बिठाना है और हाथ को ऐसे हिलाना है, फिर आप दूसरे जगह पे बैठाएंगे और ऐसे हिलाएंगे। ऐसी होती है सही मसाज। हमें बहुत लोगों को पता नहीं होता था, मेरे को खुद को ही पता नहीं था पहले मसाज कैसे करते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे करके घिसती थी। तो ऐसा ठीक नहीं है, आपको एक जगह पे बिठा के ऐसे अपने हाथ को हिलाना है और प्रेशर पॉइंट्स पे थोड़ा प्रेशर भी देना है और यहाँ पे। और अब अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर देना है। अगर आपकी हेयर बहुत ज्यादा ठीक है तो आप इसे दोनों हिस्सों में डिवाइड करके फिर कोम कीजिए, इससे हेयर फॉल बहुत कम होता है। तो अब मैं दो बन बनाऊंगी और ऐसे ही पूरा दिन रहूंगी। दूसरे साइड पे भी आपको
सेम ही करना है। तो आज का मेरा सारा हेयर केयर खत्म हो गया है और अब मैं आपको मिलती हूँ रात को 10 बजे। तो आप देखिए अभी रात के 10 बजने ही वाले हैं और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, सब सो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सुबह से ऐसे ही रखा है हेयर्स को, अब मैं इसे खोलने वाली हूँ। और थोड़ा सा कोम भी कर लेती हूँ ताकि कोई नॉइस ना रहे। रात को सोने से पहले रोज हेयर कोम करना चाहिए तो सुबह आपके हेयर पे ज्यादा डैमेज नहीं आएगा, सुलझे हुए मिलेंगे आपको। ये देखिए मेरा कितना हेयर फॉल हुआ है। तो अब मैं करने वाली हूँ मसाज, ऐसे इन्वेसिव मेथड पे करूंगी क्योंकि पहले भी आपको बोला है कि इसमें हेयर ग्रोथ होता है। 10 मिनट से ज्यादा आपको मसाज नहीं करना है, 10 मिनट्स काफी है। आपको आपके हेड को बेड से थोड़ा नीचे की तरफ झुकाना है, इससे ब्लड फ्लो सर की तरफ होता है और हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनते हैं तो हेयर फॉल रुक जाता है। अगर आपके नेक में पेन होता है तो आप इसे मत यूज़ कीजिए, पहला वाला जो दोनों दिखाया है आप बस वैसे ही कीजिए। मसाज करने के बाद हेयर थोड़ा उलझ गए हैं तो मैं थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ। हमेशा सोने से पहले हेयर कॉम करना ही चाहिए वरना सुबह आपके हेयर्स बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे और उसे सुलझाने में हेयर में डैमेज आ जाएगा। और अब मैं एक चोटी बना के सो जाऊंगी। मैं हमेशा चोटी एक साइड पे ही बनाती हूँ, पीछे नहीं बनाती हूँ, पीछे बनाने से वो बेड पे ज्यादा रब होगा। आपको चोटी बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है ताकि सोते टाइम आपको खिंचाव भी महसूस ना हो, अगर लूज हो जाए तो वो खुल भी जाता है।